सबको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे हृदय में बसाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारी बंसी। मैं वृंदावन से आया हूँ और अभी देहरादून कंडौली ये गांव है, बहुत अच्छा गांव है। यहाँ पर हम भागवत जी कर रहे हैं और वृंदावन से काफ़ी, वैसे 450 किलोमीटर मैं दूर आया हूँ, फिर भी यहाँ इन सबका प्रेम और प्यार इतना मिला कि अभी अपना जैसा ही सब लग रहा है। पर वृंदावन से दूर होकर भी यहाँ पर समय कैसे बिता पा रहा हूँ, क्योंकि चर्चा भी बिहारी जी की ही चल रही है, इसीलिए उनकी चर्चा में टाइम निकल जाता है। और केवल देहरादून उत्तराखंड ही नहीं, भारत के काफ़ी शहरों में हमने श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से नाम प्रचार किया और बहुत सारे लोगों को श्री वृंदावन बिहारी से जोड़ा। और देहरादून में 15 से 20 जगह कार्यक्रम किया और हम सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं। सार्वजनिक का अर्थ कि ये सब लोगों का आयोजन है और सब लोग इसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में किसी एक व्यक्ति का विशेष का नहीं हो पाता इतना बड़ा आयोजन करने का। तो ऐसे आयोजन यदि सब मिलके अपने गाँव में या अपनी सिटीज में या अपने मोहल्ले में सोसाइटी में हर साल भी कराएं, तो उससे सबसे अच्छा मैसेज ये होगा कि हमारे बच्चे भी और हम भी श्री वृंदावन बिहारी से जुड़ेंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे इस दौर में भी। तो इन कार्यक्रमों का उद्देश्य भी यही है। तो आपको खाना वगैरह कैसे प्रोवाइड होता है यहाँ पर, आपका रहने का सब आप खुद करते हैं कि लोग सहयोग करते हैं? नहीं, कभी कभी तो खुद भी करना पड़ता है, पर अभी वैसे ज़्यादातर जहाँ भी हम कथा करने जाते हैं वहाँ कोई ना कोई रहने के लिए रूम दे ही देता है। और फिर जब कथा सुनने सब आते हैं तो कभी कोई भोजन कराता है, कभी कोई भोजन कराता है, तो उस हिसाब से सबका हो जाता है। तो ये यहाँ पर कितना दिन हो गया आपको प्रोग्राम करते हुए कंडौली में? अभी कंडौली में प्रोग्राम करते हुए पांचवा दिन है। अभी कितने दिन और चलेगा? अभी ये 2 दिन का और है, 7 दिन का साप्ताहिक है। तो उसके बाद कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं आप? उसके बाद अभी आगे का कार्यक्रम यदि यही हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर वृंदावन ही प्रस्थान होगा। जी, चलिए पंडित जी, अचूक समाचार में आपका स्वागत है। मैं अचूक समाचार से बोल रही हूँ, लखनऊ से। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। मुकुट